नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद खास, आज की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। अनशनकारी शिक्षकों के साथ हुआ धोखा, पदाधिकारियों के वादा खिलाफी के विरुद्ध शिक्षक नेता सूर्यकांत पाठक ने फिर से शुरू किया आमरण अनशन। अब पूरी खबर जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहें अपडेट। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलेंगे। अब पूरी खबर विस्तार से। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पूर्वी चंपारण मोतिहारी के बैनर तले नियोजित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर अनशन जारी है। गौरतलब हो कि पूर्व में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पूर्वी चंपारण के बैनर तले जिले के नियोजित शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं को लेकर 20 अगस्त 2019 से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूर्वी चंपारण के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया गया था। आमरण अनशन के चौथे दिन डीईओ एवं डीपीओ स्थापना के प्रयास से अध्यक्ष मंडल के सदस्यों एवं अनशनकारी शिक्षकों के साथ सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें मांग संख्या ए बिंदु 1 से लेकर 13 तक के बिंदुओं पर समझौता हुआ तथा अध्यक्ष मंडल के हस्ताक्षर एवं उपयुक्त पदाधिकारी द्वंद के हस्ताक्षर के सहमति पत्र निर्गत किया गया और आश्वासन दिया गया कि सभी समस्याओं का निराकरण 26 अगस्त 2019 दिन सोमवार को सभी पत्र निर्गत करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परंतु दिनांक 26 अगस्त 2019 को अध्यक्ष मंडल एवं सचिव मंडल के सदस्यों द्वारा डीपीओ स्थापना से आग्रह किया गया कि आज सभी पत्र को निर्गत करते हुए समझौते के अनुसार समस्याओं का समाधान शुरू किया जाए, परंतु उनके टाल मटोल रवैये और कार्यालय से निकल जाने के कारण शिक्षक नेता सूर्यकांत पाठक अनशन पर बैठ गए। अनशनकारी शिक्षक सूर्यकांत पाठक ने कहा कि डीईओ एवं डीपीओ स्थापना के हठधर्मिता को देखते हुए शिक्षकों को गोलबंद होना पड़ेगा, तभी शिक्षकों का मान सम्मान बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मांगों के निष्पादन तक अनशन जारी रहेगा। मौके पर अध्यक्ष मंडल के सदस्य सतीश कुमार सिंह, नवल किशोर सिंह, संतोष कुमार, अशोक चौधरी, गोलू सिंह, प्रियरंजन सिंह, मनीष कुमार, राहुल कुमार सिंह के साथ उपेंद्र दुबे, ओम प्रकाश सिंह, तरुण पासवान, सचिन ठाकुर, कृष्णा सिंह, सोनालाल प्रसाद, सुनील कुमार, अनिल कुमार, मदन देवनाथ, अजीत कुमार सिंह, लक्ष्मी प्रकाश उर्फ मन्नू सिंह, सुधीर सिंह, प्रमोद कुमार, अनिल कुमार सिंह, विनोद कुमार पांडे, राघवेंद्र प्रसाद एवं मृत्युजय ठाकुर आदि समन्वय समिति के सदस्य तथा अन्य शिक्षक मौजूद रहे। और उसके पालन के लिए भी तो कहा गया था कि सोमवार से उसका पालन किया। जब हमारे समन्वय समिति के सभी अध्यक्ष यहाँ पे पालन करवाने के लिए आते हैं, डीपीओ डीओ का बदला मिजाज सा लग रहा है। उनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं नहीं देखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अंततः हम लोगों ने निर्णय किया है कि अब उस चीज़ को पालन कराने के बाद ही यहाँ से हम लोग अब इस बार जब तक जी जब तक अब पूर्णतः पालन नहीं हो जाता है तब तक ये हमारे इसके लिए हमारी ज्ञान की। कितने सूत्री मांगे आपके? जो भी है 13 सूत्री मांगे हैं।